तुम नेकी करोगे, अच्छे काम करोगे तो अपने लिए ही करोगे, उससे दूसरे को क्या फायदा। नेक अमल जो है इंसान के लिए खुद अपने को बहुत फायदा देता है। कोई नेक अमल छोटी सी भी नेकी हो जाया तो नहीं जाती, वो तो इतनी अजीम चीज है नेकी कि दुनिया से लेके आखिरत तक उसका फायदा ही फायदा है। इस दुनिया में भी फायदा है, इंशाल्लाह आखिरत में फायदा फायदा है। बस वो नेक अमल हो, अल्लाह ने उसको नेक कहा हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नेक फरमाया हो। तो इस आयत से तो ये पता चलता है कि आदमी को नेक काम करने में कोई तामल नहीं करना चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए, इस पर रुकना नहीं चाहिए इस काम के लिए, बल्कि हिम्मत करनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। अक्लमंद इंसान तो नहीं हो सकता कि अल्लाह करीम हमारा खालिक मालिक फरमा रहा है, उसकी कीमत बता रहा है हमें नेकी की, अल्लाह ताला ने की है, सांस सांस के साथ नहीं की इंसान के, इतना ऐसे बनाया इंसान को, मशीन बनाया, मामूली नहीं है, थोड़ी नहीं है, बल्कि भरी पड़ी है नेकी। तो कोई छोड़े आदमी उसको माखने में वो फ़र्ज का है, बास को मुस्तहब का है, बास को सुन्नत का है, बास को ज़रूरी का है, शिकलें दे दी गई नेकियों की, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि अगर मुस्तहब उसको छोड़ दिया, सबसे कम दर्जा ये है ना मुस्तहब का, उसको भी मुस्तहब का है, कोई कर लेगा तो फ़ायदा ज़रूर होगा तुझे, नुकसान नहीं होगा उसमें। नहीं जी ज़रूरी थोड़ी है, तो सुन नफिल है तुझे नाम सुन्नत है, क्या इस पर क्या अमल करें। एक अजीब अंदाज हमारा लापरवाही का है, बेकदरी का है, बहुत बड़ा बहुत बेकदरी का ये अंदाज है कि किसी नेकी को हम तोड़ना शुरू कर दें, मैं ये करूँ या सोचने लगे उस पर आदमी, मुझे पता मिठाई की प्लेट पड़ी होगी, आदमी सोचे कि कोई चीज़ छोड़ू उसमें से, नहीं
ये भी तो मिठाई है यार, ये भी तो मिठाई है, ये भी तो मिठाई है, चलो यार इसको चखते हैं, इसको चखते हैं, इसको चखते हैं। अल्लाह ने इतनी नेकियाँ दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी नेकियाँ दी हैं, और जो है अजर इनके अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अजर ये देखें तो आप आखरत में तो कहेंगे इतनी सी नेकी का ये इतना बड़ा अजर, इतने महल्लात और इतने बड़े गुलाम और ये सब कुछ, ये उस नेकी के बदले जैसे मैं तो बाई चांस ही हो गई थी मुझसे, उसका तो मैं ख्याल भी नहीं कहती नेकी हासिल की, तो उन नेकियों का क्या होगा, उन नेकियों के बारे में क्या होगा कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला खुद फरमा रहे हैं कि दुनिया में जन्नत के फल खा लिया करो, वो नेकी क्या होगी मुझे बताया, दुनिया में लता कहते हैं उसका भी ये तो ऐसी नेकी है कि इसके तो बदल वहाँ तो बात की बात है कि यहाँ भी तुम्हें महरूम नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका तो यहीं से शुरू हो जाता है मामला। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी तरगीब दी है इस अमल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी तरगीब दी है, अल्लाह का जिक्र है। ये रमज़ान हो, रमज़ान की रातें हों, रमज़ान के दिन हों, ये औकात हों, अल्हम्दुलिल्लाह असर और मगरिब के दरमियान हो, आदमी टांगे मारता फिरे, इधर बातें सुनता फिरे, तकरीरें सुनता फिरे, लोगों के इधर उधर घूमता फिरे, मस्जिद चल रही होगी इधर भाग जाए, इधर से कर जाए, उधर से कर जाए, इस वक्त से बड़ा कोई अमल नहीं है भाई। और रूहानियत के दर्जे पर देखें तो आपका शेख आपके साथ मौजूद है, हौसबत आपके साथ मौजूद है, उसमें वो अमल हो रहा है जो अल्लाह के इतना करीब करने वाला है, वो अमल सिर्फ शेख की से मिलता है, उस चश्मे से मिलता है, वो कोई अकल रखती है आदमी उस मस्जिद को छोड़ दे, मुझे अफसोस है, सोचने की बात है, किस चीज पे आदमी घमंड करता है मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई, या आखिरत को किस दर्जे पे हमने किस तराजू पे तोला हुआ है, सोचने दे क्या हिसाब देंगे हम, क्या छोटी छोटी बातों में जो हम ये इतने बड़े बड़े जो सवाबों के जो समंदर हैं इसको हम ज़ाया कर देते हैं। रमज़ान में ये हाल हो मुझे बताएं अब 4-5 दिन के बाद ये मजलिस होगी, फिर आगे बैठ जाएंगे उठा के ये नहा धो के हम आ गए, वो कहाँ गए वो रमज़ान के असर और मगरिब के दरमियान की मजलिसें कहाँ मिलेंगी मुझे बताएं आप, सो सकते हाँ कोई उज़र हो जाए इंसान को, भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इत्तेफाक से कोई बीमार हो गया बेचारा नहीं आ सका बीमारी की हालत में, लेकिन पछता रहा है दिल में कुर है काश मेरी इतनी इस्तकामत से मजलिस जारी थी, जब मैं ताकि बैठता सोचता, अल्लाह पर रहम करने वाला है, तो अल्लाह फौरन कहते हैं इसको उस मजलिस का सवाब लिख तो उसमें ही है ये जायज उजर को अल्लाह सुबहान तला खुद ही पसंद फरमाते हैं कि उजर है इसमें आराम कर दो। इस वक्त सालिक के लिए एक मुरीद के लिए इससे बड़ी माहौल हसीन खूबसूरत माहौल मैं नहीं समझता कहीं मिल सकता है एक मुरीद के लिए, अगर सादिक सच्चा मुरीद है कि जो रमज़ान में रहमतें अल्लाह देगा शेख के ज़रिए से जो उसको अनवारात मिलेंगे जो फ़ज़ाइल उस पर मिलेंगे जो उसको नूर मिलेंगे उस वक्त कहीं नहीं मिल सकता, किसी तकरीर में नहीं मिल सकता, किसी नफली इबादत में नहीं मिल सकता। पत्नी क्या रहमत के अल्लाह का नजूल हो जाए इस वक्त शेख के सीने में तो उसी तो उसकी चीटर पड़ जाती है मुरीदों पे, तो सेना सीना शेख तो तजलियात गाह होती होती अल्लाह के अनवार तो उतरते ही रहते हैं, तो जब वो लोगों के साथ मजमू में बैठेगा इस नीयत से कि उनको इसलाह हो उनकी बात हो तो वो क्या महरूम जा सकते हैं, वही जा सकते हैं जो बड़े बेवकूफ़ हैं, साल भर लगे रहे 10,000 साल लगे रहे इस मजलिस का बदल नहीं मिल सकता, जिस पर हमें शुक्र भी करना चाहिए और सुबहान अल्लाह भी कहना चाहिए, कितने अल्लाह का फजल, बात समझाई तो नहीं हमें किसी ने, इसको फजल कहते हैं, रहमत धकेलती है इंसान को, तो यहाँ है हसन तुम हसन तुम लाठ हो सको, ये अपने लिए कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, मुझे बताएं मुझे क्या नुकसान हुआ, कोई चला गया हुआ कोई, ये कोई नहीं आ रहा ये बैठा है घर में इधर देख रहा है, 30 माह का समझता है अपने आप को, बस यही है अल्लाह के सामने खड़ा हुआ है कि जिस तरह हम जाएंगे वो आपसे बस पास ही करेंगे, हम तो वही ही लेंगे,
हम क्यों झुके, हम तो ये हैं, हम तो फलाए, हम तो ये है, ये हम तुम नहीं चलता भाई, पता क्या नहीं चलता। इसी तरह बुराई है, बुराई की बात भी अल्लाह पाक से आ तू फला, बुराई करेगा तो अपने लिए करेगा, कर ले जो कुछ करना है, गुनाह करेगा तो अपने लिए गुनाह करते आते। गुनाह मामूली चीज तो नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है। इसी तरह ऐसा नेकी एक छोटी है वो कहाँ ले जाती है इंसान को, तो एक गुनाह जो है छोटा, ना नेकी को छोटी ना गुनाह को छोटा है, एकदम वो तो साथ साथ चलने वाली चीजें याद रखना। जिस इंसान के जहन में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि गुनाह तो छोटा ही है, बस वो गया, समझ जाए वो चला गया, वो चला गया, वो आदमी भारी छोटे का तो तसव्वुर नहीं है गुनाह का, क्यों छोटा गुनाह जैसे छोटी नेकी हो ही नहीं सकती जो आखत में आपको जाकर जन्नत में सलाम ना करे कि मैं आ गई ही मुझे तूने किया था। इसी तरह एक छोटा गुनाह हो ही नहीं सकता, वो कहेगा देखा पहुंचा दिया तुझे जहन्नम में मैंने, छोटा कहता है लेकिन गुनाह तो यहाँ लेके आता है, गुनाह का तो रुख ये है तू, जब गुनाह करते आदमी सवारी पे बैठ जाता है नंबर 3 पे चलती है, उसने पहुंचाना ही है वहां पर। जिस गाड़ी कहीं जा रही है तो जिस गाड़ी पर आप बैठ जाएंगे वहीं लेके जाएगी या आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके जाएगी, सवाल जवाब क्या आएगा इसका, जिस पे बोर्ड लगा होगा वहीं पहुंचाएगी वो, तो जाहिर इसी पे आदमी कॉन्फिडेंस से बैठ जाता है, बोर्ड देखता है बोल्टन जा रही है टिकट लिया बैठ गया, फिर नहीं देखता कि बोर्ड कहाँ रही है जा कर, ऐसे होता है ना, बस यही है। जिसने बदी इख्तियार किया, गुनाह इख्तियार किया, बैठ गया उस गाड़ी पर, जाकर ठग से जहन्नम में ठोक देती है उसको। अब ये थोड़ी जाए कि आप बड़ी वैन में जा रहे हैं, छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, बैठते हो गए ना उस पर, पहुंचा देगी आपको जहन्नम में, अदालत में पहुंचा देगी। तो ये जो गुनाह है ये बहुत खतरनाक चीज, इससे तो भाई बचना चाहिए, बस एक चीज तो यही है। जब ये गुजारा है इसके बाद कोई गुजारा नहीं, कितने आदमी कुछ कर रहा हो लेकिन ठीक है आप नेक अमाल कर रहे हैं, मैं नेक अमाल कर रहा हूं, लेकिन गुना गुना तो फिर गुना ही है, नेक अमाल तो आपको टर्न कर जाएगा दूसरी रोड की तरफ चला जाएगा, हम 6 की तरफ चला जाएगा, ये अपने 1 की तरफ चला जाएगा, उन्हीं की तो नहीं की अपने तरफ ले, वो बदी बदी है आपको वापस आएगी पहले। ये फास्ट ट्रेन है गुनाह की, क्योंकि फास्ट रखे अल्लाह पाक ने, जल्दी जाए जन्नू फेंकें इसको जलाया जाए, मुमिन तो है ना ला इल्ला पढ़ता है फिर उसको जन्नत में भेजा जाए, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी को चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ भी मांगे और भाई इन गुनाहों की लानत से सन को बचने से, और गुनाह के अजाब भी सुन लें। हम तो ये समझते हैं गुनाह कर लिया अब देखी जाएगी जहन्नम ही जाएंगे, ना वहाँ देख लेंगे, एक तो उस आदमी की अकीदा ही नहीं है कि जहन्नम और जन्नत है या नहीं है, बाकी ईमान का तो मुझे पता नहीं, इस पर बख्शिश होगी ही नहीं लगता, तो ये ना उसको उस पर अभी ईमान नहीं लाया, वो ईमान उसका नहीं है कि जहन्नम ही है जन्नत भी है। जिसको ये ईमान होगा कि जहन्नम ही है जन्नत भी है, मुझे पता है, तो भी ये क्यों सोचेगा कि भाई बस देखी जाएगी जब जन्नत में जाएंगे तो कर लेंगे, फिलहाल तो करो ना, यहाँ तो करो ना काम अपना जो करना है, हम उस हिसाब को तो पूरा करो भाई। बड़ी दुनिया इस थॉट पे रह रही है आजकल, इस गाड़ी पे चल रही है, लेकिन एक बात सुन लें आप और से कि गुनाह एक ऐसी चीज़ है कि जिस तरह नेकी उदार नहीं रखती, जैसे मैंने आपको हदीस सुनाई है कि उसका जहूर दुनिया में हो जाता है, याद रखना नेकी का जहूर कहाँ हो जाता है, इसी तरह गुनाह का अजाब दुनिया में शुरू हो जाता है। गुनाह का अजाब दुनिया में आ चुका होता है, यह आप सुन उस अजाब में मुब्तला है वो शख्स जिसने गुनाह किया, छोटा किया बड़ा किया वो तो कुछ बता नहीं,
गुनाह है बस, नाम है कि उसने गुनाह किया है, नाफरमानी की है, वो स्टार्ट हो गया, वो दुनिया में अजाम है, मुब्तला बिल्कुल। ये कुरान हदीस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, और बड़े बड़े बुजुर्गों के अखबार से हवाले कर, मेरी आदत नहीं है मैं कहने बैठ जाऊँ हाफिज इस्लाम ने ये कहा तो उन्होंने ये कहा, मिजरा ने ये कहा तो फला हदीस में ये है उसमें है, बस मेरी बातों सुनते रहा करें कि भाई जब जो भी बातें करेगा ये आलिम तो नहीं है, ज़रूर इसने कोई मुस्तरद बातें कर रहा है, किसी सुनी गप तो नहीं मार सकता, इसकी सबूत की जरूरत है, आपको तो बोल दिया करो ना, लेकिन ना बोलने का फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक अंदाज है रोप मारने का आदमी पे, कभी कभी जरूरी होता है तो मैं हवाला दे देता हूँ आपको, ये सब हवाले की बात है, मुस्तनद बातें कर रहा हूँ आपसे इंशाल्लाह, बहुत बड़े दर्जे के शेख के कदमों में बैठा हूँ मैं जूते में याद रख, वहाँ से हवा चली है, ये तो हो ही नहीं सकती गलत बात। तो इसका अजाब जो कहाँ से शुरू हो जाता है, दुनिया से शुरू हो जाता है, वो अजाम में, फौजाम में मुझे ले रहे हैं, ये तो जी बड़ी दुकान है, इसके तो बड़े कारोबार चल रहे हैं, ये तो बड़ी गाड़ियों में बैठा है, बच्चे बच्चे खुशहाल हैं, शादियाँ हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो मकान बनते हैं जा रहे हैं कि एक से एक दो मकान, तीन से तीन चार से हो जी, हजरत फरमाने की अजाब शुरू रहता है, बिल्कुल अजाब शुरू रहता है। अल्लाह फरमाते हैं इस अजाब की नौयत अजीब है, सुभान अल्लाह, इस अजाब की नौयत जो नौयत समझते हैं नहीं समझे, कंडीशन जो उर्दू नहीं समझते तो उधर क्यों नहीं बैठते हैं अंग्रेजी वाली टाइप पर मजा क्या आएगा आपको जब बात ही नहीं समझेंगे, जो उर्दू में कमजोर है तो उधर बैठा कर आप चार आदमी बैठा होता है करता रहता है ट्रांसलेशन ताकि बात तो समझ आ जाए, नहीं ये बात को समझें, उर्दू हल्की बोलने की बहुत कोशिश तो करता हूँ इंशाल्लाह। तो ये है मामला, समझ आई बात कि उसकी नौयत दूसरी है, उसका अंदाज दूसरा है, लेकिन वो अजाम है, अभी जो आप गुनाह करके हैं अजाम है, चूहे से मुंह बनाने की जरूरत नहीं है कि मस्जिद में बैठे हैं जिक्र में बैठे हैं, अजाम है। क्या है इसका अजाम भाई, हो बहुत बड़ा अजाम है, ना आग में जल रहा है, ना किसी पानी में ढूंढ रहा है, ना बिच्छू काट रहे हैं, ना उस पर कोई हंसते सवार किए जा रहे हैं, ना उसको गुर्ज मारे जा रहे हैं, ये किस अजाब के अंदर है। नजर नहीं आ रहा अजाब, यहाँ नजर नहीं आएगा वो अजाब, अजाब में मुबतला होता है नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो दुनिया जिसमें वो अजाब नजर आने आएंगे उसमें अल्लाह ताला अजाब भी दिखाएंगे, फिर आंखों से देखेगा बिंदर। यहाँ का जो अजाब है गुनाह का अजाब ये है कि इंसान का जो दिल है उसके अंदर नेकी करने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है, देखी करने की ख्वाहिश खत्म, दिल नहीं करता, एक लफ्ज़ सुनोगा आज दिल नहीं करा जी कुरान ना पढ़ूं, आज दिल नहीं करा जी आज तहज्जुद ना करूं, आज दिल नहीं किया जिक्र में आने के लिए, बस ये जो है ना दिल नहीं किया, ये अल्लाह फरमाते ये मेरा अजाब है, बहुत से सुन ले बहुत बड़ा अजाब है, तेरा दिल नहीं किया, मोमिन का दिल जिसमें कलमाश हो नूर हो ईमान का हो तेरा दिल नहीं कर रहा था, पता क्या है अजाब भाई, अच्छा क्यों नहीं कर रहा दिल, अभी भी सुन ले, दिल ना करने की वजह ये गुनाह का अजाब उसके दिल में उतर गया है, अल्लाह कहते हैं गुनाह किया मैंने अजाब दे दिया इसको, इसके दिल को उससे रगबत ही खत्म कर दी, इस पर जोर लगा लिया हर आदमी, इसका दिल नहीं करेगा कि मैं नेक काम कर लूँ, ये सुन्नत अदा कर लूँ, चलो या कुरान पढ़ लूँ, चलो आज तहज्जुद पढ़ लूँ, जिस वक्त नेक अमल से इंसान की दिल में तबीयत उचाट हो रही हो, आज तक हम इस बात को नहीं समझ रहे, तबीयत उचाट हो रही हो तो खून ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो गया, हर आदमी इससे सोचते हैं गाड़ी स्टार्ट की स्टार्ट में, ये क्या हो गया आज गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, कहते ही नहीं कहते, नहीं कहते आप आए बिजली पे ऑन किया है आज बिजली ऑन क्यों नहीं हो रही, क्या हो गया बोलो, इधर पहले लफ्ज ये निकलता है, तो क्या कभी दिल में ये नहीं निकलेगा कि नेक काम का ये वक्त आ गया और नेक काम करने की दावत आ रही है और नेक काम का इस वक्त मुझे ये करने का बिल्कुल मुकाम है, दिल क्यों नहीं कर रहा, रगबत क्यों नहीं हो रही, धक्का क्यों नहीं पड़ रहा, अभी सब चीज सोचना चाहिए ना, फर्स्ट मत जाओ मुझसे कोई गुनाह हो गया उस्ताद, माल खा गया मैं नफ्स की चकला गया, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं भाइयों,
किस इंसान की बात कर रहा हूं, माँ सिवाय अंबिया के सारे इंसान, औलिया, गौस, कुतुब कयूम, कुतुब मुख्तार, ये सब दर्जे के जितने भी हैं सिवाय, क्योंकि 2000 ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है। अंबिया क्या है? मासूम है। और औलिया अल्लाह क्या है? महफूज है। औलिया अल्लाह के साथ तरदा उनको गुनाहों से पहुंचते पहुंचते नफ्स तो है गुनाह करने लगे पहुंच, तो फिर उनको अल्लाह हिफाजत फरमा देते हैं उनकी, क्योंकि बेचारों से मुजाहदा किया होता है, अल्लाह का दोस्त होता है, तो अल्लाह से मदद फरमाते हैं कि चले अब झटका मार पड़ रहा है इसको, चलो इसको यहाँ इसको रोकता हूँ किस तरीके से ना होता है। तो ये हालात हाँ सिवाय अंबिया के सब पर होंगे मेरे भाई, गौर से सुनो, इतनी जबरदस्त चीज़ कि जब दिल में आ जाए ये चीज़ चक्रा की यार जी नहीं करते, जब दिल के अंदर और ये बढ़ जाए जब, तो वो तो दिल बहुत ही बड़े, वो इंसान बहुत बड़े अजाम में है, बड़ी गाड़ी में बैठा है, मस्जिद के पास से गुजर रहा है, लोग आ जा रहे हैं, क्या नमाज से कोई नमाज का टाइम कोई पता नहीं, नमाज का टाइम हो रहा, अजान को रही उसको कुछ पता नहीं हो रहा, कुरान की तिलावत कर रहा है उसने देख रहा बच्चा कुरान की तिलावत घर में कर रहा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसके अपोजिट अजाब देखें क्या होगा, उसके दिल में क्या होता है, हर बदी और गंदी चीज का मजा आता है। आज तो यार बड़े मजेदार महफिल थी, आज तो जी बड़ा लुत्फ आया, सुना आपने है? और जिसका दिल अल्हम्दुलिल्लाह नूर से भरा होता है, नेक होता है, उसका अपोजिट होता है, कहता है आज तो हजरत की मजलिस में बड़ा लुत्फ आया, यार आज कैसा जिक्र था, तुम्हें मजा आया इसमें, ये कैफियत बता रही है। तो ये इंसान कौन है अल्लाह की, कि थोड़ी सी भी नेकी करेगा तो उसके दिन बाग बहार होगा, उसको रिसीव करेगा, उसको पास से गुजर रहे अजान की आवाज आ रही है, ठक से ब्रेक मारेगा गाड़ी में, यार ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके खुशी होती है, सुभान अल्लाह यार मस्जिद नजर आ गई, अभी हम तो पता नहीं ढूंढ रहे थे कहाँ नमाज पढ़ेंगे असर की सुबह, कितनी खुशी होती है उस इंसान को कि सफर में जा रहा हो, कभी तजुर्बा कर ले, सफर में आप जा रहे हैं और घड़ी देख रहे हैं यार मगरिब का टाइम हो रहा है, तो आप टर्न करते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ मिलेगी यार अपनी नमाज, बड़ा फिक्र इंसान के दिमाग में चल रहा है, आप टर्न के देखते हो देखो मस्जिद है और लोग मस्जिद जा रहे हैं, उससे ज्यादा इंसान को खुशी नहीं होती, तजुर्बा किया आपने कभी नहीं, जाओ शुक्र बस पता नहीं जहां गड़ी पार्क हो सकती है उस वक्त तो आदमी देखता है टिकट लग जाए तो लग जाए, इतनी खुशी हो जाती है अकेले वाकूफ हो तो खुशी के अंदर, उल्टी सीधी अड़ा देता है गाड़ी का, उल्टी सीधी गाड़ी अड़ा देता है कहीं कि यार बस बस इसमें एक बस मस्जिद मिल गई यार, और इतना सुकून मिलता है उसमें जाकर, हालांकि रोज तो मस्जिद में नमाज पढ़ता है, वहां से लगता है कि पता नहीं किसी और जगह आ गया, ठंडे सांस भी लेगा बैठ के जाना नमाजू करके, ऐसा लुत्फ आएगा उसको कि जहाँ होनी चीज उसको ऐसी मिल गई एक नेकी कि उसको कमाल हो गया उसके, ये किस चीज़ की निशानी है। और जिसका दिल अजाम में हो अल्लाह ताला इंसान को अजाम में डर दे, जब उसको गंदी मस्जिद से मिल जाती है सारी सारी रात जागेगा, पूरी पूरी रात उस बदमाश में जितनी जगा लें आप, जो कुछ करवा लें उससे, जितने तमाशे करा लें, आंखें आदमियों की देख देख के ना सारी रात वो चीजें आंखें छोटी हो जाती हैं, जिसमें दर्द होने शुरू हो जाते हैं, बुरे हालत हैं, लेकिन तो बड़ा मजा आया रात तो ये काम किया, ये बड़ा लुत्फ आया, मुंह कड़वा है, जिस्म टूटा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, जिस्म नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन क्या लफ्ज क्या निकल रहे हैं, बड़ा मजा आया। ये क्या चीज है भाइयों, इसको अल्लाह मानते हैं कि यह आजाब है, अनासा तुम फलाहाओ, अपने लिए तुमने अपनी बर्बादी की है, ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए आदमी को दोस्तों, एक पैमाना मिल गया हमें, दिस द मेजरमेंट फॉर अस नाउ, यू कैन जज इट एवरी टाइम नाउ, एवरी सेकेंड एनी मोमेंट यू कैन जज इट वेयर यू आर, ब्लेसिंग में रहमत में या अल्लाह की सजा में इंसान है। जिस वक्त नेकी छोड़ने को दिल कर रहा है समझ जाए कि इस वक्त मैं अजाब में हूं, और अजाब क्यों आया है सवाल, क्या जवाब है इसका, कोई गुनाह है शायद, वो गुनाह मैं ना समझता हूं, गुनाह क्या है, गुनाह है मुझसे हो गया है, मेरे दिल के अंदर ये अल्लाह ने अजाब पैदा कर दिया अपना, जहन्नुम की तरफ रुख मोड़ दिया, मेरे पक्के हो जाते हैं जो अजाब में मुबतला हो जाते हैं, उनको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता, और लगे हैं अपने तमाम से, बस उनका यह कि ये भी कर रहा हूं ये भी कर रहा हूं ये भी तो कर रहे हो ना, फिर उसके बाद फिर बदमाशी में लग जाते हैं अपने, एक जिंदगी का तीसरा रुख इंसान,
दोनों काम चलाते रहता है। वो उसका बस ये है कि ये काम से मैं जो गुनाह उसके बाद गुनाह कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो बदमाशी कर रहा हूँ, जो हरकतें कर रहा हूँ ना, मैं नमाज पढ़ ली, मैं जिक्र कर लिया जी, मैं कुरान पढ़ रहा, बस उसको ये धोखा दे रही है सारी चीज़ें कि ये तू गुनाह करके आया, इसका कोई असर नहीं होगा, तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन अजाब पहुंच चुके हैं उसके अंदर और निकल आएगा। ये तो भाई इनविजिबल है, जब विजिबल होगा ये अजाब तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा। मुझे दो वाक्य याद आ रहे हैं, उसमें खैर मैं अर्ज कर ही दूं, 5-10 मिनट हैं अभी, जहन में चीज आए तो बोल देनी चाहिए, नहीं है गुफ्तगू भी अच्छी है, ताकि जहन से और मेरे भी बुखार निकल जाएगी, छोटा गुनाह है बड़ा गुनाह है, ये तो इनविजिबल था, यहाँ दिखाना नहीं है, लेकिन विजिबल कब होगा ये गुना, वो तो होना तो है ना, सही नहीं होना क्यों आजी सर, वक्त तो करीब आ रहा है, नजर आ जाएगा सब कुछ जो छुपाए बैठे हैं, इसको तो हम इग्नोर कर जाते हैं, और नहीं यार कहाँ अजाब है, ये देखो गाड़ी में बैठा हूँ, एक गड्डी चल रही भाई, ये देखो मकान कितने अजाब जी, इसी नमाज पढ़ ठीक। पहले एक वक्त सुनाता हूँ आपको मैं, ये हाफिज इब्न दिनार रहमतुल्लाह ने लिखा है, वाकई बुजुर्ग सुनी बात है, बुजुर्ग जो बात करते हैं माशाल्लाह बड़ी मुस्नद बातें करते हैं, बड़े दर्जे का इंसान है, छोटे आदमी नहीं थे। इनकी बहन थी, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह के वली की बहन का इंतकाल हो गया, अब वो इंतकाल हो गया तो दफनाने चले गए, दफनाने के बाद हुआ है तो उनके पैसे गिर गए कब्र में, पर्स हो गए, ये पैसे होंगे, दफनाने के बाद घर आए तो घर आके देखो ओ मेरे तो पैसे रह गए, उन्होंने चलो चलो भी मैम अभी तो ताज़ी है कब्र, ऊपर ही कहीं पड़े होंगे, मैं खोद के देख लेता हूँ कब्र में, जाके निकाल लेता हूँ अपने पैसे, चले गए। जाने के बाद उन्होंने कब्र को थोड़ा सी खोदा, अल्लाह अकबर, कहते हैं लिखते हैं कि मैं तो बस इस दुनिया में नहीं रहा, मैं मुझे समझ नहीं आया मैं कहाँ पहुँच गया, मैंने क्या देखा, वो मेरी बहन अभी तो कुछ देर भी नहीं हुई थी, वो जो कब्र थी वो पूरी आग से भरी हुई थी और मेरी बहन उसमें बीच में बैठी जल रही थी और चीखें मार रही थी, अभी चंद घंटे पहले वो जिंदा थी। तो हमारा तो मौत के बाद ये थोड़ी इंतज़ार करना पड़ता है, अभी लाश वहाँ चलेगी, अभी लाश वहाँ चलेगी, अभी ये हो रहा है, अभी ख़त लिखा जाएगा, ड्राऊ 3-3 दिन कर देते हैं, पाकिस्तान इंडिया में तो अभी यही होता है, इंतकाल हुआ बस उसके बाद लाया दुलाया और फारिग कर देते हैं। उन्हें तो कब्र बंद किया, उनको तो कहते मेरे होश खराब हो गया, मैं भागा अपनी मम्मी के पास, मैंने कहा माँ, कहते क्या हुआ तुझे, कहते माँ मैं तो अजीब चीज़ देख के आऊँ, कहते क्या, कि जो हमारी बहन जी से वहाँ, कहते अभी इंतकाल जिसका हुआ वो तो इस हालत में है कब्र के अंदर, हाँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, इतनी मतकी औरत थी, वो सब कुछ थी, मैं तो देखता था कुरान की तलावत भी कर रही है, रोजी भी रखती थी, सब कुछ आपके कोई इसमें है, ताकि कुछ पढ़ा जाए, बख्शा जाए उनको कुछ आपके, वो घबरा गई, क्या देख उनसे बताया था, उन्होंने कहा बेटा तू जो देखता था वो तो सही था, लेकिन मैंने भी एक चीज़ देखी थी, वो अल्लाह की वली औरत थी, उनको पता था वसा तो फला, नेकी गुनाह कोई छोटी चीज़ तो नहीं होती, हमें तो याद भी ना होता, कहते एक चीज़ मैं देखती थी कि वो अल्लाह का तो हुक्म है कि नमाज को वक्त पर पढ़ो, नमाज को जमात से पढ़ो, अजान सुनते ही सब जमातों में है, ये हुक्म है ही इन्हें, ये हुक्म है अड्डा बना लो अपने अपने, यहाँ चाहे पढ़ लो, कारोबार बैठ जाएगा जी, फला चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हमारा वो ख़त्म हो जाएगा, तब तक कि मोतबर मुफ्तियान की तरफ से मुस्तनद कोई उज़र कबूल ना किया गया, याद रखना। तो क्या करती थी वो, मसरूफ हो जाती थी इधर उधर काम वाम के अंदर, और करने के बाद नमाज की कज़ा हो जाती थी, कभी कभी, रोज नहीं, कभी होगी इत्तेफाक से, माँ तो नजर रखती थी ना, अल्लाह ने उसके दिल में अलका कर दिया, अल्लाह सुभान व तआला ये वाकयात रोज तो दिखाते हैं, रोज मर रहे हैं लोग, रोज मर रहे हैं,
एक तो मैंने अपनी जिंदगी में एक वाकया सा देखा है सूद के बारे में, अपने जानने वालों में, अपने हल्के के आदमी में, बहुत मेरी जिंदगी में वाकया देखा है उस आदमी का जो सूद खाता था मैनचेस्टर में। तो इबरत का जो कभी कभी अल्लाह ताला के मामले में है कि वो दिखा देते हैं किसी मुकाम पर कभी वो गुनाह इंसान को, तो अल्लाह कल अलकर कर दिया उसकी वालदा पे कि गुनाह ये था उसका, जिसको हमारे नजदीक को गुनाह नहीं है। भाई पढ़ तो ली ना कभी, औरतें खास पढ़ ली ना, औरतें का मर्द जी पढ़ तो ली ना, जमात ना की फर्क पड़े, यहां भी तो नमाज हो ही जाती है ना जी, तो कौन जाता जी अब इतनी देर, मैं क्या कहूँ जी गाहक आ गए मेरे, तो मैं दुकान पर खड़ा, सामने मस्जिद नजर आती है खिड़की से और बड़ी बड़ी दुकानें हैं मुसलमानों की, कोई नहीं आता जमात में, वहीं तिल खड़काते रहते हैं। सुभान अल्लाह अलहाक मुतकासिर हत्ता ज़ुरतुम अल-मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून दासल। उसी दुकान पे खड़े होने वाले मर रहे हैं, लोग कब्रों में जा रहे हैं, अजाब नजर आ रहा है उनको, अजाब कितना बड़ा आ चुका है कि उनके दिल के अंदर से वो नेकी की इतना भी वक्त नहीं रही कि नमाज सामने है, लोग नमाज पे जा रहे हैं, उसको तिल अजीज हो गया, दुनिया अजीज होगी लेकिन आखिरत अजीज नहीं। चंद फासले पे मस्जिद है बैठा है, लोगों भी रोका हुआ है, उनके अजाब अपने सर पे ले रहा है, तुम भी ना जाओ मैं भी ना जाओ, मैं भी यहां पढ़ लेता हूं, इधर भी नमाज हो जाती है, वैसे अजान दिए जा रहे हैं खड़े होके, इंसान है वो, मुझे पता है, खुद सोच रहे हैं ये फैसला हमें खुद करना है, जज योर सेल्फ, इसका टॉपिक यही है, ये रोजे के पैगाम दे रहा हूं मैं आपको, तीस दिन से पर्सनल तकरीर नहीं कर रहा हूं, जाती तकरीर नहीं हो रही, बल्कि किस तरफ से आ रहा हूं मैं, रोजा बोलवा रहा है मुझे, ये रोजा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, तीस दिन से तो मैं हूं ही नहीं, तीस दिन से तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो जन्नत में हूं अल्लाह से, ये तो रोजा बोलवा रहा है, समझो अकल करो इन बातों को, और इंशाल्लाह ये रख रखना मेरी कैसेट सारी, अल्लाह जिंदगी दे अगर हम जानते हैं इसको बाकायदे से रोज एक बयान मेरे सुनते रहना, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी समझ जाएगी, ये तकरीर नहीं है, इंशाल्लाह फ्री मिलेगी सबको ये पूरी एक सीडी, साइट पे जाएंगे तो फ्री मिल जाएगी आपको पूरी, कोई कास्ट कुछ नहीं, बस ऑर्डर दें आप घर आ जाएंगे, 10 लें 15 लें 20 लें इंशाल्लाह घर पहुंचा दी जाएगी आपको फ्री, वेबसाइट है ना हमारी, बस वहां लग जाएगी, आप ऑर्डर दें जी 10 चाहें लोगों तकसीम करें अल्लाह के फजल से, बहुत काम की चीज़ है, मैं भी रखूंगा, मैं भी अपनी गाड़ी में लगाऊंगा उसको, उलमा अकराम नखरे ना करें, हम आलिम हैं, पता है सब हदीसें, किसी फकीर की जबान से हदीसें सुनना और खुद हदीसें पढ़ना बहुत फर्क कर जाता है इंसान को, सब सुने तो फिर ये एक गुना था वो सौलत का कि वो जो नमाज को कभी कभी कजा कर देती थी, अब हम जज कर लेंगे हमारी नमाजों का क्या हाल है, हम जमात से कितनी छोड़ते हैं, कितने नखरे करते हैं, क्या वो दुनिया है क्या नहीं है मेरे भाइयों, ये तो इब्तदा बताई है गुना की जो विजिबल हो गया, और जब कब्र से शुरू हुआ उसके बाद आखिरत में जब परमानेंट जाएगा जहन्नम में तो उसको बहुत क्या असर मिलेगा। एक और वाकया सुना देता हूँ, ये जो वाकया है ये बहुत बड़े आदमी लिखा है, मुरसद बिन हवास बहुत बड़े इंसान गुजरे हैं, जाती वाकया उन्होंने लिखा है अपनी जिंदगी का, ये वो बात बता रहा हूं कि किस तरह इंसान अजाम में होता है, जो वहां नजर आ जाएगा या तो नजर नहीं आ रहा या तो मुस्तकिल अजाम में, क्या लिखते हैं, कहता मैं अपनी मस्जिद में बैठा था कि मेरा दोस्त भी था वो, तो उसके साथ एक आदमी आया, ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा, एक तो कल बताया था ना मैंने आप जो कल इस मस्जिद में थे माशाल्लाह बाकायदा जो आ रहे हैं वो सुनते हैं मेरी बातों, तो ये कहते हैं मैंने देखा उस आदमी को, मैं बड़ा हैरान हुआ देखकर, अल्लाह वाले कहते हैं मुरसद बिन हवास बहुत कैसा इंसान ना, आपने देखा होगा ना, मैंने देखा उस आदमी को, ये है कि उसका एक चेहरा आधा चेहरा बिल्कुल सही ठीक ठाक सलामत आंख चल रही है मुंह नाक गोश्त बाल सब कुछ, लेकिन आधा चेहरा जो लोहे का मुकदा लोहा कुछ भी नहीं, जैसे टिन्नू था लोहा लगाते हैं आप ये
टर्न से कुछ देख ले। मैं उसको देखते रहा कि मैं सही देख रहा हूँ भी नहीं देख रहा, तो मैंने झिझकते झिझकते उससे पूछ लिया। अब ये जो अमाल बताए जा रहे हैं हमें अंदाज़ा करना पड़ेगा अपना कि अल्लाह हमें बचाए इन चीज़ों से, और आज वक्त है इस्तग़फ़ार का दोस्तों। ये मैं इसे पूछ बैठूं, पूछूं से मैं है क्या, इसका चेहरा ये अजीब चीजें देखें दुनिया होता है कोई आदमी ऐसा, कोई नहीं आज तक सुना नहीं। उन्होंने कहा भाई लगते तो आदमी हो, भी तुम आदमी माशाल्लाह, लेकिन तुम्हारे आधे चेहरे को क्या हो गया, ना कोई ऐसी बीमारी भी नहीं सुनी है, लोया बन जाए भाई, गोश्ती उड़ता है, कैंसर हो गया आदमी की वजह, पुराने जमाने की बात, उस वक्त कैंसर जानता कोई नहीं था। कहते हजरत आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह से पूछा, पैदा भी सही हुआ था, हमारी बस्ती में ताउन फैला, ताउन समझते हैं बीमारी है, इसको प्लैक, प्लैक कहते हैं ना, ताउन फैला, तो ताउन बहुत मुझी मर्ज है, उसमें लोग बहुत मरते हैं, ठीक है, बड़े लोग मर रहे थे, लाशें जा रही थी, हमारे एक अजीज़ भी मर गया, तो हमने उसको अपने अजीज़ को दफने दफाने की कब्र खोदने गया, मैं कब्र खोदा इंतजार करने लगा कि लोग लाश लेकर आएंगे तो उस पर दफन करेंगे, तो इतने में उसके साथ बराबर एक कब्र थी, वो भी तैयार थी किसी आने के लिए, तो मैं उस कब्र के बराबर कब्र थी उसके साथ ही बैठ गया। तो हमारा तो अभी आदमी नहीं आया दफन के लिए, उनका आदमी पहले आ गया और उसको दफन कर दिया, पर दफन कर चले गए, कहता मैं वहीं बैठा हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ हजरत कि दो ऊंट जितने परिंदे सफेद रंग के आसमान से उतरते आ रहे हैं। मैं देखा ये क्या, ये क्या चीज़ आ रही है, मैं वहीं बैठा हूँ कब्रिस्तान में कब्र के साथ ही, उसके साथ वो परिंदे उतरते आ रहे हैं, उतरते आ रहे हैं, वो बड़े ऊंट जितने परिंदे हैं दोनों, और उस कब्र पे उतरे हैं, एक सिराने बैठ गया, एक पैंती बैठ गया। सिराने वाले ने कब्र को खोदा, हाथ मार के निकाला और उस कब्र के अंदर चला गया। कहता मैं देख रहा हूँ, मैं गरीब तो था, इतनी जरूरत भी मेरी नहीं हुई कि मैं उठ के भागूं या इधर जाऊं उधर जाऊं, मुझ पर सख्ता सा तारी हो गया, बाहोश आवास में उस नजारे को देख रहा हूं कब्र की, उधर दुनिया बदल जाती ना आती है। तो उस कब्र को खोद के अंदर गया, उस कब्र वाले को उसको पिटाई की उन्होंने, जो अंदर गया था वो लाश मारा, थप्पड़ दो, तो वो और साथ में उन्होंने उसके उसके एक लफ्ज कहा है उन्होंने, वो तू बड़ा इतराता था, बड़ी शो मारता था, तो माल दौलत किया, तू कपड़े पहन के बड़े चमकदार फिरता था लोगों को दिखाने के लिए, मैं जा रहा हूँ देखो जी मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे ये कपड़े हैं, तू ये करता था। वो हाथ मार, नहीं मैं तो जी बिल मस्कीन आदमी हूँ, ये वो बता रहा है, वो आदमी कह रहा है मैंने बहुत मुझे तस्खाऊ, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैं तो जी बहुत गरीब आदमी, मैं तो फला हूँ। अच्छा ये बात, ओके वो थप्पड़ मारो उसको, जैसी थप्पड़ मारो कहता बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि वो आग तेल से, कब्र तेल से और पानी से भर गई। अल्लाह इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह क्या मतलब होगा इसका, तेल और पानी से कब्र को भर दिया गया और लाश उसमें है। थोड़ी देर इसका राम और फिर वही कब्र बन गया, फिर वो मुर्दा वैसी के वैसे। ये अजाब है आखिरत, ये नहीं थप्पड़ पड़ा मर के जान छोड़ के दबा दो, वहां तो मर है, मौत है ही नहीं, क्या लज्जत है भाई मेरा गुनाह, नमाज छोड़ेंगे आप, नमाज छोड़नी चाहिए नमाज, इसमें कुछ सुस्ती करनी चाहिए, कोई अमल बचा रहा है वहां उसको, उस लड़की को बचाया, कितने लोग हम ऐसी हरकतें करते हैं मुझे बताएं आप, क्या हम अपने आप को समझते हैं, एक नेकी करने के लिए अल्लाह के हुक्म मांग कितने करते हैं, कबर फिर बन गई मुर्दा, फिर उसने दिए दो थप्पड़, उसको थप्पड़ तो एक ही काफी था उसका, फिर वो यार कहता जी नहीं मुझे माफ कर दो, वो ही फिक्रे गया जा रहा है, मैं तो दुनिया में नहीं जी, आप मुझे फिर भेज के देख लें, मैं तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जी, वो पता नहीं क्या था, तो फला आदमी ने ऐसे कर दिया था फला, फिर थप्पड़ मारा, फिर वही पानी और तेल से कबर भर गई। कहता मैं ये नजारा देख रहा था, उनकी नजर मेरे पे पड़ी जो अंदर थे, अपने साथी से कहा ये क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे तमाशा, अल्लाह अकबर, ये क्या तमाशा चल रहा है, ये देख रहे हैं बैठ के क्या देख रहा है, मार इसके थप्पड़े। कहता उस साथ वाले तो रख के दिया मुझे थप्पड़े, तो इत्तेफाक से मैंने मुंह बचाना चाहा अपना कि जहां उसका थप्पड़ पड़ा वो मेरे दुनिया के हिस्सा नहीं रहा, वो लोहा बन गया, अजाब बन गया।
तो साथ आ गया मुझे। इन्नलिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाइयों, वाकया तो बहुत है, अभी मैं सुनाना शुरू आपको शाम कर दूँ। बुजुर्गों से सीखा ही हमने, और क्या सीखना था, वहाँ जाके खिलाफतें लेने गए थे, वहाँ जिक्र सीखने गए थे। लोगों को जिक्र कैसे सिखाऊँ, कभी नहीं तसव्वुर नहीं बात, ये सुनते थे बस। हुक्म दीजिए सुनाओ तो सुना रहा हूँ आपको, ना मैं आलिम हूँ ना मुझे शौक इन बातों का मजमे लगाने के। हुक्म दिया जाता है मुझे, वाकई मैं हाँ बस जुम्मा पढ़ो, मैं जुम्मा मैं हाँ बस जुम्मा शुरू कर दिया। तो गुलाम थे हमें, हम तो गुलाम थे, हम तो वही काम करना जो हजरत कहना था। अब उल्टा सीधा खुतबा तो आज तक कभी नहीं हुआ, जिसने भी सुना सही खुतबा पढ़ा अल्लाह के फजल से। पीछे से बोला था ना काम, हाथ रखा हुआ था। हम बनावटी आदमी तो नहीं है भाई, होते ना एक अपने एजाजी शेख जो आए डिग्री दे दिया शेख बनेगा, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाऊँ, लोग उससे बेवकूफ़ बने मेरे भाई। गुनाहगार इंसान हूँ ठीक है, मैं भी तुम मुझे कह गए आप फला फला, बिल्कुल मत उससे बदतर, फिर आप क्यों काम कर रहे हैं? पीछे वाले से पूछे जिसने मुझे कहा है, मैं शोर की परवाह नहीं किया करता दोस्तों। फिर कपा इलम नहीं है, ये फना ये कंधे बैठ जाता है, वो ये फना इसको काम आता है, इसको हदीस पढ़ना नहीं आते। मैं हंसता हूँ, मैं बिल्कुल सही है, तो इससे बदतर आदमी अभी देखेंगे मुझे, गुनाह करते हुए आप देख लेंगे मुझे। मैं पूछता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैंने कभी कहा मैं औली अल्लाह हूँ, मैं वली हूँ, मुर्शद हूँ। देखो जी अपने आप को हम इसकी कैसे दिखाते हैं, ये कहते हैं आदमी को जन्नत में पहुँचा देता हूँ, ये कोई बातें लेकिन अड्डा वहीं का वहीं जमा हुआ है, असर नहीं कौन बातों, बढ़ रहा है कम नहीं हो रहा, क्यों कि पीछे हाथ है किसी का, वो हाथ उठ जाए तो खत्म, फिर फूंक निकल जाती आदमी। दुआ करो पिछले हाथ न उठे, जिसका जिसके पीछे हाथ आ जाए दुआ ये करनी चाहिए अल्लाह ताला उस हाथ को ना हटाना, वो शफकत का हाथ हमारे सरों पे रहे हमेशा। जो अपने आप को भंगा बंग समझ लगा ना, एक फिक्र मेरे हजरत ने कहा था कि एक वक्त आएगा तेरे पे कि दुनिया तुझे बहुत बड़ा शेख मानेगी और तेरा बड़ा चर्चा होगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि कभी ये ना समझ जाए कि तू पीर बन गया है, काम तेरा मुर्शदी से होगा, अपने शेख के साथ ताल्लुक को बिल्कुल इसी तरह मजबूत रखना जैसे पहले दिन रखा था बच्चे की तरह, उसमें फर्क ना है। या बात अपने शेख की ना भूलना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज बूढ़ा हो गया इसी चक्कर में, कोई सुबह और शाम ऐसे नहीं होती अपने शेख के मकतूबात को नजर ना करूँ उस पर, क्या फुकम फरमाए आज क्या बात करूँ, आकुम फरमाए हजारों लाखों तकरीर आपकी एक 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 खत से मैंने की है, हजारों नुकते बयान किए शेख का हुक्म माना। आप तो क्यामत तक कम आ रहे शेख हैं, आपको हम कैसे कहते हैं मैं पीर बनने को, दुनिया जो चाहे कहती फिरे लेकिन मैं कुछ भी नहीं, सब करम और नवाजिश मेरे शेख की है। ये किधर जिसका जहाँ फूते में आया चार आदमी जब हो जाते हैं, क्योंकि उसका तो सुख थोड़ी है, मैं आपको कहूँ जाइए वहाँ से लग गया। और ये भी सुन लें कि हर जिसको इजाज़त दी जाए, हर आदमी को खिलाफत दी जाए, इसलिए खिलाफत नहीं है उसको उस्ताद है, ये नहीं कहा जाता है कि अब तुम जाके जिक्र करो। एक बात कौर से सुने, क्योंकि हर खलीफा के अंदर मुख्तलिफ उस्ताद होती हैं, जिसको इजाज़त दी जाए ना उसका मतलब बस इजाज़त मिल गई, जैसे दारुल्म से इजाज़त मिल जाती है और फौरन आदमी इस पर बैठ जाता है, तो ये भी है कि हर आलिम के अंदर ये इस्ताद नहीं होती आके तकरीर न करे, हर आलम इस्ताद नहीं होती कि वो बुखारी पढ़ाए, हर आलम इस्ताद नहीं होती, उसमें एक अपनी अलग इस्ताद होती है और वो किसी कारीगर के हाथ लगे तो वो उसको बताता है कि ये तेरी इस्ताद है इस पर काम कर, वो निखर जाता है। याद रखना हमेशा, उसका दिल और करेगा यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन शेख को पता होगा कि इसकी इस्ताद ये नहीं है, खिलाफत तो मिल चुकी है, वो तो आखिरत आखिरत का एजाज है, यानी ये तो दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये मतलब नहीं कि वो तकरीरें करेगा जिक्र कराएगा फलां नहीं कराएगा, उसको तो अल्लाह की तरफ से एक एजाज मिल गया है कि हमने तुझे कबूल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा दिया है, उस पर सारी ज़िंदगी शुक्र करे कि बड़े ऊँचे दर्जे में उसको अल्लाह ने इस सिलसिले में उसको ग़ुलाम बनाया है, थोड़ा सा किया है। लेकिन अब वो ये ना समझेगा पीर बनेगा कि जो मेरा शेख कम है वो नहीं, ये तो उसको मोहताज होना पड़ेगा किस चीज़ में उस्ताद है, वो शेख को पता है कि इसको किस तरफ है, किसी को तसनीफ में होती है, किसी को लिखने में होती है। मैंने देखा कि एक इतने बड़े अल्लाह के वली थे जिसका मैं बैठता था, गपशप थी, दोस्त भी थे बहुत, हमारे हज़रत के खलीफा भी थे, लाजवाब बुलंद दर्जे में, इतना बड़ा उन्होंने काम किया है कि नक्शबंदी से तहरीर के अंदर कोई काम नहीं कर सका अब तक,
एक चटाई पे बैठते थे, ना पंखा था ना कुछ था, 120 डिग्री के अंदर कमरे में बैठे रहते, हजारों बीमारी के मरीज थे। जब मैं जाता, मैं हजरत क्या हाल है आपका, बड़े अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक है, कुछ नहीं, मैं हजरत तबीयत तो खराब नहीं, वो तो गए थे थोड़ा जहाँ ऑपरेशन हुआ तो पट्टी चेंज किया, उससे क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह का बड़ा कलम हो रहा है, देखें बैठे लिख रहे हैं गंदे कलम के साथ, कलम ये भी नहीं मॉडर्न, ये पेन वो नहीं होते काने के कलम, काना समझते हैं आप, काना बोलते हैं उस जमाने, ऐसे करके काट के जो कलम बनता था, असल कलम तो वही है ना, उससे तहरीर चलती रहती थी उनकी, और ऐसी किताबें निकली हैं उनकी हाथ से, और वो चीज़ें निकली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई वो हजरत हमने वो लिख ली अब किताब आपके लिए रखी, ले जाएं दो किताबें ले जाएं पढ़ें इसको, वो मुझे दे देते, कोई नहीं इसका हदिया लेना है ना, बेचते भी बस। अब उन्होंने कोई जिक्र विक्र की लाइन नहीं ली, बहुत से लोग हमने देखे ये इस पर आदमी नारा है कि भी अब मैं खलीफा बनी हूँ तो बस अब जिक्र ही उसका आ सकता हूँ, कुछ नहीं, उसको ये चाहिए कि आखिरत के किसी मामले में मैं इसकी खिदमत मुझे मिल जाए तो वही मेरी उस्ताद है, और मैं उस पर काम शुरू कर दूँ, नहीं काम जरूर करना चाहिए कुछ ना कुछ। तो महाराज थे कृष्णी बात आ गई, तो ये भाई अब हम हैं किस समय रमज़ान में, गुनाह की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, हल्की सी इंट्रोडक्शन है, बड़ा जानते हैं गुनाह गुनाह क्या है, अल्लाह ताला इसी से हमें समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तब ये रमज़ान का जो रोज़ा है हमें कह रहा है कि भाई ये तो बात है सारी रोज़े में तुम करते आए हो, देखो अब तक तुम समझे नहीं हुई बात, ये तो मैसेज मैं रिफ्रेश करा रहा हूँ, मैं तूने कैसे रिफ्रेश कराया, कहता था तुझे नहीं पता, नहीं क्या देख समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ना, वो उधर समाप्त करते हैं हदीस को, अस्याम जुन्ना तुम, मुझे क्या कहा है नबी पाक सुने क्या कहा है, ढाल जुन्ना तुम, ढाल होता है कि कितनी बर्दस्त चीज़ होती है कि दुश्मन को उस पर वार नहीं चल सकता, कितनी भी ताकतवर चीज़ हो जितनी मजबूत ढाल होगी वो उसको सहती जाएगी। तो जिसको अल्लाह ने डाल बनाया और कहता है मुझे डाल बनाया अल्लाह ताला ने किस चीज से, कि कोई भी तेरा ऐसी चीज नहीं होगी जो तेरे रोजे को डिस्टर्ब कर दे तुझे जन्नत में ना पहुंचने दे, जन्नत याद है। लेकिन जब तक अगर इतनी मजदूर डाल है तू इसको बर्बाद करेगा तो तू खुद ही करेगा, मालम सब तू यहां जब तक तू खुद ना इसको तोड़ दे, तब तक कि तो खुद उसको ना खराब कर दे, वरना ये मैं तो रोजा इतनी बड़ी चीज हूं कि जिसके पास मैं आ गया इंशाल्लाह सुबह तूने रखा है तो शाम को तुझे बख्शवा के छोड़ दू। इफ्तारी में हदीस है ना कि इफ्तारी में बहुत खुशी होती है दुआएं कबूल, इसलिए कि उस इंसान की बख्शिश हो चुकी होती है, बख्शिश पर उसको खजूर खा रहा होता है खुशी में, तो इसलिए इफ्तारी का ये बहुत बड़ा मुकाम है इफ्तारी के वक्त का, इफ्तारी करने का, इसलिए क्या जल्दी करो कि तू बख्शा बख्शा है, अब देर किस चीज़ की कर रहा है, हमेशा इसमें क्या जल्दी करो इफ्तार, इसमें ज़्यादा सवाब है, इंतजाम मत करना कि अब खाने आएंगे फला आएंगे, नहीं पेशे खजूर मिल जाए उसी से रोज़ा खोल ला, अल्लाह का नहीं फरमाया है, खैर इसमें बड़ी हिकमतें हैं, अगर अगली दफ़ा महफिल हुई तो इंशाल्लाह इस पर कोई बात हो। तो फरमाया देख सुबह से शाम तक मैंने तुझे बख्शवाया सब कुछ किया, लेकिन अगर तूने बर्बाद करना था इस ढाल को तो किससे करता, दुनिया की कोई चीज वार नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं तोड़ सकता था तेरे रोजे को, तोड़ सकता था अगर तू कोई गुनाह कर लेता तो, जैसे ही तू गुनाह करता ये ढाल तेरी बेकार हो जाती है, गुनाह खत्म हो जाता, वो तेरा रोजा तूने खत्म कर लिया। तो ये मैसेज मैं तुम्हें देने आया कि जो इतनी बड़ी चीज इतनी बड़ी ढाल एक गुनाह से तबाह हो जाती है, और तू सारी जिंदगी अमाल करता रहे, बड़े बड़े अमाल तू कर, जो कुछ भी तू कर, अगर अल्लाह के पास जब तक तू पहुंचा और तेरे गुनाह कोई हुआ तो तू दोज़ख तो जरूर जाएगा दोस्त, ये मैसेज दिया उसने। बेहतर यह है कि तू देख अगर जिस तरह रोजे को तू बचाता है अपने कि शाम को तू बख्शा जाए तो तू कोई गुनाह नहीं करता, बहुत बड़ी कोशिश तेरी यही होती है और होनी भी यही चाहिए, सबसे अमल अजीम अमल यह है कि गुनाह हमसे कोई ना हो, बेशक हमसे सिपारा ना पड़ा जाए, बेशक हमसे जिक्र ना हो, बेशक हम कुछ ना हो, कुछ ना कर सकें, देख गुनाह ना करे यार, खाली रोजा रख के आदमी एक काम कर ले दरवाजे में बंद हो जाए, इधर उधर ना देखे, ना आंख मुंह छू, कुछ इबादत ना करे, कुछ भी ना करे, फ्राइज को अदा कर ले बस जिस तरह अदा करने, इंशाल्लाह उसके बावजूद वो शख्स शाम को बख्शा जाएगा। तूने उसने रोजे का मफहूम पाया, उसने क्या काम नहीं किया तो सबसे बदतरीन काम इंसान के लिए महगुना है। इसी तरह का कि तू भाई बेशक थोड़ी अमल कर ना, तहज्जुद पढ़,
ना इशाक पढ़, ना चाचत पढ़, ना तू हाफिज बन, ना तू आलिम बन, तू कुछ भी ना कर, लेकिन अगर तेरी जिंदगी ऐसे गुजर गई, और बिल्कुल गुजर सकती है इंसान की, तो एक दिन तू बगैर खाए पिए और गुनाह के बाद गुजार सकता है, जिसने एक रमजान इस तरह रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस नीयत के साथ कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला कहता है कि अगर तूने एक रमजान कर लिया तो तू इंशाअल्लाह मेरे पास आएगा तो तेरी जिंदगी भी ऐसी होगी उसमें एक गुना भी ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल आसान, मुश्किल नहीं है याद, गुनाह को छोड़ना मुश्किल नहीं है। उस वक्त तब एहसास हो जाए, ये दो वाक्य बताएं जिसको हासा हो गया कि कमन मेरे साथ ये वाकत होंगे इस गुनाह के, वो कैसे हराम खा सकता है, वो कैसे जमात छोड़ सकता है, वो कैसे लोगों की नमाजों को बर्बाद कर सकता है, वो कैसे बैठ देख सकता है कि सब बर्बाद नमाजों में मैं कहा ठीक कर रहे तुम काम, कैसे कर सकता है दुकानों में ग्राहकों को खड़ा किया हुआ खुद भी मस्त हो रहा है माल बेच रहे और नमाज के साथ मैं बाद में पढ़ तो लेता हूँ जी अपनी जाके नमाज, ये वही बात है जिन उनसे पूछो हुआ ना, जी हम बाद में पढ़ तो लेते हैं ना नमाज, अभी जाएंगे जल्दी से वजू करके, ऊपर हमें जगह बनाई है, ऊपर जगह बनाई हुई है, सहूलतें देखिए। कारोबार की वजह से जमात हम छोड़ सकते हैं फला, ये अपने बनाए फतवे नहीं चल सकते दोस्त, कोई नहीं। एक नमाज जो छोड़ रहा है जमात से वो सूफी नहीं हो सकता, वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता, गुनाह का धब्बा उस पर लगा हुआ है। उस धब्बे को या तो सच्ची तौबा के साथ खत्म कर लो, सुभान अल्लाह धब्बा खत्म हो जाता है कि अल्लाह ताला आज तो कजा हो गई है, आज मेरी नमाज छूट गई है, मैं सच्ची तौबा करता हूं इंशाल्लाह आंधा नहीं छोड़ूंगा, वो दबा खत्म हो गया, और फिर कभी छूट जाए फिर तो सच्ची तौबा कर लो। सच्ची तौबा अगर कर रहा है इंसान फिर तो बात बन रही है, दबा खत्म वरना ये जहन्नम पहुंचा देगा। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह पाक इस गुनाह की लानत से हमें बचाए, और जिस तरह रमजान में हमने महफूज रहे अल्लाह ने हमें महफूज का हिफाजत कमाई है गुनाहों से, अल्लाह पाक इसी तरीके से हमें आखिरत की हिफाजत दे। तो मेरे भाइयों ये मैसेज है रोजे का कि बेशक कम हो, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट हमारा यह है कि हमने गुनाहों के बगैर जिंदगी गुजारनी है। आमीन।